हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का अपना क्यू कार्ड है नंबर 10। डिस्क्राइब अ ड्राइंग और पेंटिंग दैट यू लाइक। व्हेन यू फर्स्ट सॉ दिस पेंटिंग, व्हाट द पेंटिंग इज अबाउट, हु पेंटेड दिस, एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दिस पेंटिंग। संडे को एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है उसको क्लिक कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है संडे वाली क्लास का, उसमें हम लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब मॉड्यूल्स कवर करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, और यू कैन बाय स्पीकिंग पीडीएफ जो मेरी खुद की लिखी हुई, जिसमें इंट्रो, क्यू कार्ड, फॉलोअप्स ये सब कुछ आपको मिलेगा। आइल्स की और पीटी की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि फ्रंट जो है फ्रॉम माई चाइल्डहुड वाला, उसको चेंज कर दो, तो मैंने उसको अभी थोड़ा एडवांस किया, लाइक 8 बैंड लेवल की कुछ चीज़ें यूज़ करी है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी और कुछ ही दिनों में आप इसको भी अंडरस्टैंड कर जाओगे। ओके, इट हैज़ बीन माई ड्रीम टू बी एन आर्टिस्ट। इट हैज़ बीन का क्या मीनिंग होता है, कि ये चीज़ रही है, क्या रहा है, कि एक आर्टिस्ट बनने का मेरा ड्रीम रहा है। इट हैज़ बीन माई ड्रीम टू बी एन आर्टिस्ट, सो विद द व्यू टू ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, आई हैव विजिटेड डिफरेंट प्लेसेज। तो ये अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए मैं अलग अलग जगह पे गया। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट एज ऑथेंटिक एज आई वॉन्टेड, चाहे कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस वैसा ओरिजिनल, वैसा रियल नहीं था जैसा मैं चाहता था। ऑथेंटिक होता है रियल, जैसा मैं चाहता था। देखो कितनी अच्छी साउंड आएगी जब आप बोलोगे, ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट एज ऑथेंटिक एज आई वॉन्टेड, द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई फेल्ट रेडिएंटली। रेडिएंटली होता है मतलब काफ़ी पॉजिटिवली खुशी होना, कोई चीज़ अच्छी होना लाइफ में और खुशी होना, ठीक है। अब देखो इसमें कितना अच्छा लेक्सिकल मैंने यूज़ किया है, आप इसको लर्न कर लो और मुझे बताओ कि 100 में से कितनी रेटिंग दोगे, 100 आउट ऑफ कितना इसको आप मार्क्स दोगे, 90, 95 और 100 आउट ऑफ 100, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मैं इन्हीं चीज़ों से ही आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगली वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके, हाउ एवर हेयर आई वुड लाइक टू नरेट अ पेंटिंग दैट इज़ अबाउट एन ओल्ड पंजाब। यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ओल्ड पंजाब की पेंटिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आई विविडली रिमेंबर इट वॉज अ टाइम वैन आई वॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अमृतसर। जब मैं 10th में था तो मुझे अमृतसर जाने का मौका मिला। आई सॉ अ पेंटिंग दैट वॉज मेड बाई जसवंत सिंह, हु इज़ एन एमिनेंट पेंटर ऑफ पंजाब। एक पेंटिंग देखी जिसको जसवंत सिंह ने बनाया था, जो कि पंजाब का काफ़ी मशहूर पेंटर है। दिस इज़ अवेलेबल इन जलियांवाला बाग, इट लुक्स लाइक अ 3D पेंटिंग ऑफ ओल्ड पंजाब। ये जलियांवाला बाग में है, 3D पेंटिंग के जैसी दिखती है। आई वॉज सरप्राइज आफ्टर नोइंग इट्स हिस्ट्री, मैं हैरान हुआ इसकी हिस्ट्री जानने के बाद। ओके, दिस पेंटिंग डिस्क्राइब्स हाउ पंजाबी पीपल यूज टू लिव। ये पेंटिंग डिस्क्राइब करती है कि पंजाब के लोग कैसे रहा करते थे। यूज टू का मीनिंग होता है किया करते थे, रहा करते थे, ठीक है। दे हैड अ सिंपल लाइफ स्टाइल एंड द मेजोरिटी ऑफ देम वर हैंड टू माउथ। उनका लाइफ स्टाइल सिंपल था, हैंड टू माउथ होता है लाइक आज कमाया शाम को ख़त्म हो गया, आज कमाया शाम को खा लिया। दे यूज्ड बुल कार्ट्स टू गो हेयर एंड देयर, वो घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे इधर उधर जाने के लिए। 90% ऑफ पीपल बिलोंग टू फार्मर फैमिलीज, उनमें से 90% तो फार्मर फैमिलीज से बिलोंग करते थे। दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर्स ऑफ पंजाब। ये पिक्चर जो है, पेंटिंग जो है, ट्रेडिशन के बारे में बताती है। आई हर्ड फ्रॉम माई ग्रैंड फादर अबाउट इट इज़ used to be, I heard from my grandfather about how it used to be, but this feeling was like I might be a part of old Punjab, ठीक है। मुझे मेरे grandfather ने बताया था कि कैसा ये हुआ करता था, like old Punjab कैसा हुआ करता था। तो मुझे इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसी का पार्ट ही हूँ, ओल्ड पंजाब का। मोर ओवर मैनी फॉरनर्स वर आल्सो देयर, सम ऑफ देम वर जर्नलिस्ट, काफ़ी फॉरनर्स भी थे, गोरे गोरियाँ भी थे, जो कि उनमें से कुछ जर्नलिस्ट थे। When it comes to the question of why I like this, to be honest, I have nothing to speak ill about this. मेरे पास तो कुछ भी बुरा नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। If I had not gone to Amritsar, I would not have seen this stunning painting. अगर मैं अमृतसर में ना गया होता तो मैंने ये stunning painting ना देखी होती। तो ऐसे sentence अगर आपकी speaking में आते हैं ना, तो यार बैंड स्कोर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो If I had not gone, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना हुआ होता, ठीक है। ओके,
इवन आई कैन से दिस पेंटिंग वॉज फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. आई नॉट ओनली गॉट नॉलेज अबाउट ओल्ड पंजाब बट ऑल्सो मेड अनफॉरगेटेबल मेमरीज बाई क्लिकिंग टू थ्री पिक्चर्स विद इट. ये मेरे लिए मोमेंट ऐसा था जैसे मैंने एक तीर के साथ दो निशाने लगाए हों, तो जैसे मैंने खाली नॉलेज ही नहीं ली बल्कि मैंने अनफॉरगेटेबल ना भूलने वाली यादें भी बनाई दो तीन पिक्चर क्लिक करके. ऑल इन ऑल दिस इज़ अ पेंटिंग दैट आई लाइक. ओके, मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो विद टू फ्रेंड्स. एट लीस्ट 2-3-5 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो वीडियो को ताकि मुझे एनर्जी मिले. मैं और भी क्यू कार्ड ऐसे ईजी करके आपके लिए लाता रहूँ. और रेटिंग जरूर करना कॉमेंट बॉक्स में. थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में.